नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात ज्ञानवापी मस्जिद का तहखाना खुलेगा, रहस्य से पर्दा उठेगा, क्योंकि ज्ञानवापी मामले पर कल से सर्वे शुरू होने वाला है। आज इस सर्वे को रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया और अब कल से सर्वे होगा और तहखाने का ताला भी खुलेगा, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ज्ञानवापी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट आई, सर्वे पर रोक की मांग खारिज, 17 मई को फैसले की तारीख। अयोध्या की तरह होगा समाधान या बाबरी वाला खमासान? बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस को लेकर देश की राजनीति गर्म है, जिसकी दस्तक शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनाई थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये मामला अभी उनके पास आया है और बिना पेपर देखे तुरंत कोई फैसला नहीं दे सकते। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले को लेकर कल सर्वे की शुरुआत होगी। ये सर्वे दोबारा हो रहा है। पिछले दिनों इस सर्वे को लेकर विवाद सामने आया था और वाराणसी की सिविल कोर्ट यानी सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आदेश दिया है कि इस सर्वे को कराया जाए। तो दोनों पक्ष यानी वादी और प्रतिवादी पक्ष कल मौजूद रहेंगे और 8 बजे से इस सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रतिवादी पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी लेकर 1 सप्ताह बाद इस पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि गुरुवार को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था, जो शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा, उससे राजनीति गर्मा गई है। दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते और 90 ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप तो अपनी आइडियोलॉजी को ना संविधान को रोन देंगे अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर रोन देंगे कि ये इस तरह चलेगा क्या देश? हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, फिर अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया और दूसरी मस्जिद की बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मसला क्या कोर्ट के जरिए सुलझेगा या फिर बाबरी जैसा घमासान होगा, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही वो माहौल को गर्मा रही है। तो देखेंगे, वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं, जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। अब सबकी नजर शनिवार को होने वाले सर्वे पर है, जिसकी कागजी कार्रवाई शुक्रवार को ही पूरी कर ली गई। विरोध को देख ज्ञानवापी के आसपास सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सर्वे को पूरा कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम और पुलिस कमिश्नर की होगी। कल 12 मई को कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तहखाना खुलेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, क्योंकि जिन मूर्तियों का दावा किया जा रहा वो तहखाने में ही छुपी बताई जा रही। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये सर्वे के बाद पता चलेगा। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। और अब बात अदालत में, सर्वे की रणभूमि काशी की राह पर श्री कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ अब तरह ही अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग भी जोर पकड़ने लगी है।
आज आपको इसे लेकर एक मांग हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा की कोर्ट में उठाई गई, उस पर बात करेंगे, जिस पर कोर्ट ने 1 जुलाई की तारीख तय कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि हाई कोर्ट ने जो 4 महीने की मोहलत निचली अदालत को दी, क्या तय वक्त में सारे केस निपटारे उनके हो पाएंगे, क्योंकि 2 महीने का वक्त तो पहले ही सुनवाई में निकल जाएगा। अदालत में सर्वे की रणभूमि, काशी की राह पर कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञान बापी का सर्वे झांकी, ईदगाह का बाकी। 4 महीने में इनको सभी प्रार्थना पत्रों को डिसाइड करना है, इसलिए बहुत जल्द उस पर कमीशन गठित होगा। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने मांगा टाइम, 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। वो यहाँ ट्रायल कोर्ट में, जिस कोर्ट में मुकदमा चलना है, यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे, जानबूझकर मुकदमे को लिंगर ऑन करते हैं और फिर माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं, सामने मुकदमे सुनवाई जल्दी हो जाए। महादेव की नगरी काशी में ज्ञान वापी मस्जिद पर सर्वे के आदेश के बाद अब भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के सर्वे की मांग जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को आदेश दिया था कि वो 4 महीने के भीतर सभी वादों की सुनवाई पूरी करे। और अब आदेश का सीधा असर मथुरा में देखने को मिला, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा कोर्ट में एक कमीशन नियुक्त कर शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने की मांग कर दी गई है। जो हम लोगों ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है वो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और आने वाली 1 जुलाई को जो डेट लगी हुई है उस पर उसकी सुनवाई होगी। और हाईकोर्ट का जो किस पर डायरेक्शन आदेश आ चुका है, इसलिए 4 महीने में इनको सभी प्रार्थना पत्रों को डिसाइड करना है, इसलिए बहुत जल्द उस पर कमीशन गठित होगा और वरिष्ठ अधिवक्ता जो कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे उनकी निगरानी में वादी होंगे, विद्वान हमारे अधिवक्ता जी होंगे, सबकी निगरानी में वहाँ की वीडियोग्राफी सर्वे होगी। ये एकदम ज्ञानव्यापी मस्जिद के जैसा है, क्योंकि जिस तरह से वाराणसी कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, अब हिंदू पक्ष चाहता है कि वैसे ही मथुरा में शाही ईदगाह का भी सर्वे हो, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके लिए अभी तैयार नहीं, जिसने कोर्ट से और वक्त मांगा है। वो यहाँ ट्रायल कोर्ट में, जिस कोर्ट में मुकदमा चलना है, यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे, जानबूझकर मुकदमे को लिंगर ऑन करते हैं और फिर माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं, सामने मुकदमे सुनवाई जल्दी हो जाए। अगर वो यहीं हाजिर होते, यहीं उपस्थित होते, तो इसकी ये नौबत ना आती, या दूसरे हमें माननीय उच्च न्यायालय ने बुलाया होता, नोटिस जारी करे होते, तो हम उनका पक्ष रखते, उनकी ऑर्डर सीट को सर्टिफाइड ऑर्डर सीट, माननीय न्यायालय की ऑर्डर सीट कभी बदली नहीं जा सकती। अचानक एप्लीकेशन दी और ना उसी को कापी दी है, वो कापी लेकर उसमें हम जो है उसमें आपत्ति दर्ज करेंगे, अपनी सुनवाई होगी, जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका अवलोकन करेंगे। ये पूरा मामला कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर है। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। इस मामले में 3 वादी हैं, पहले मनीष यादव जो मुख्य याचिकाकर्ता है, दूसरे महेंद्र प्रताप सिंह और तीसरे दिनेश कौशिक, जिनकी मांग है कि अब कोर्ट इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराए ताकि जल्द से जल्द इस मसले का समाधान हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले के मुख्य पक्षकार मनीष यादव सहित 3 लोगों ने आज मथुरा कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने के लिए कमीशन नियुक्त करने की अर्जी दी, जिसमें आज मथुरा कोर्ट में बहस हुई और शाही ईदगाह मस्जिद के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए मथुरा कोर्ट से समय की मांग की। अब सर्वे होगा या नहीं, इसकी अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 4 महीने का जो वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को दिया, क्या उस तय वक्त में इस केस का निपटारा होगा, क्योंकि 2 महीने का वक्त तो पहली सुनवाई में ही निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात मदरसों में राष्ट्रगान क्यों मचा घमासान। आज यूपी के अलग अलग शहरों में मौजूद मदरसों में राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान को लेकर ना तो छात्रों को कोई आपत्ति है और ना ही शिक्षकों को, लेकिन राजनेताओं को ये मदरसों में राष्ट्रगान पसंद नहीं आ रहा। लेकिन सवाल बड़ा है, जनगण मन पर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है। मदरसों में राष्ट्रगान सियासत का क्या काम। इनको देशभक्ति सिखाना है, आप नहीं सिखा सकते, आपको हमसे सीखना चाहिए। देशभक्ति वाले दांव में अंदर की बात क्या है। राष्ट्रगान का गायन होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों में, विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति भावना बढ़ेगी।
यूपी के मदरसों की सुबह शुक्रवार को देशभक्ति के सूरज के साथ हुई। लगभग हर मदरसे में राष्ट्रगान के बाद ही पढ़ाई शुरू हुई, जैसा अमूमन बाकी के स्कूलों में होता है, लेकिन ये फैसला सियासत करने वालों को चुभने लगा है। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इस पर सवाल उठाने में पीछे नहीं। मैं बहुत कुछ नया करने की तमन्ना लेकर के मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले क्लास शुरू होने के पहले प्रार्थना में सभी दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करें गाने के लिए। आप सब उसमें शामिल हों, बच्चों के अंदर राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत हो, देश प्रेम की भावना बढ़े। मेरा एक ही मकसद है, प्रधानमंत्री जी का सपना मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके का सर्कुलर जारी हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, इसे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रगान पढ़ाइए, इस पर मदरसों वालों को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मदरसे के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत होती रही है, अभी ये कहा गया कि मदरसों में पढ़ने वालों के एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ हवा में रहीं। मदरसों के नाम पर सियासी मकासद तो हासिल किए गए, सियासी फ़ायदे तो हासिल किए गए, लेकिन उसको ज़मीन पर कभी नहीं उतारा गया। उन्नाव हो या फिर एटा, मदरसों में सुबह सुबह राष्ट्रगान गूंजा। शिक्षकों और बच्चों सभी ने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाया, एक सुर में सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान को गाया। हालांकि कई मदरसों में पहले से ही राष्ट्रगान होता रहा है। राष्ट्रगान को लेकर न तो बच्चों को कोई तकलीफ है, न ही शिक्षकों को, सिर्फ सियासत ने इसे मुद्दा बनाकर लपक लिया है। राष्ट्र भावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्रप्रेम की भावना आएगी जब वो राष्ट्रीय गीत गाएंगे और खासकर के जनगणमन गाएंगे, तो उसके अंदर एक ऐसी ही भावना आएगी बच्चों के अंदर, उनको लगेगा कि हम भी एक शिक्षण संस्थान में, क्योंकि सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान गाया जाता है। आएंगे बीजेपी को बताना चाहेंगे कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप हमको मत दीजिए, क्योंकि जब देश की जंग की आज़ादी लड़ी जा रही थी तो संघ परिवार नहीं था उसमें। इन्हीं मदरसों से जिहाद का फतवा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ दिया गया था, और उन मदरसों से जिन लोगों ने जिहाद का फतवा दिया वो फांसी की सूली पर भी चढ़ गए, मगर अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखकर नहीं दिया। राष्ट्रगान को लेकर न तो कहीं कोई दिक्कत है और न ही कहीं कोई सवाल, सिवाय सियासत के। और राजनीति का क्या, वो तो हर मुद्दे पर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सपा सुभाषपा के हल्ला बोल की, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। आज समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी सुभाषपा ने गाजीपुर में 10 मई की घटना को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो एक पक्ष पर तो कार्रवाई कर रहा है लेकिन दूसरे को छू भी नहीं रहा। सपा सुभाषपा का हल्ला बोल। प्रशासन के खिलाफ दिया धरना। स्थिति यह है कि अब किस पे विश्वास करें, रक्षक ही भक्षक बना। प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाकर ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का आरोप है कि जब 10 मई को वो अपने विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद में भ्रमण करने गए थे तब उन पर गाँव वालों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 16-16 लोगों को आरोपी बनाया, लेकिन कार्रवाई सिर्फ ओम प्रकाश राजभर उनके समर्थकों पर ही हुई। स्थिति यह है कि अब किस पे विश्वास करें, रक्षक ही भक्षक बना। अब जिन्होंने आश्वासन दिया, अब एसपीआरए पे विश्वास न करें, एडिशनल एसपी विश्वास न करें, किस पे किया जाए। इस बात को लेकर के लोगों में गुस्सा रहा कि आखिर समय भाई कोई क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने जाएगा, जनता किसी के सुख दुख में जाएगा नहीं, कहां जाएगा, हम किसी से पूछ के तो जाएंगे नहीं। अब इसी एक तरफा कार्रवाई को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर के सरयू पांडे पार्क में प्रदर्शन किया तो समाजवादी पार्टी भी अपने साथी ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाती नजर आई। जिले के सातों विधायकों के अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, चंदौली के सपा विधायक प्रभुनाथ यादव सब राजभर के साथ नजर आए। तो ताजुब अगर मैं कहता हूँ तो लोग बुरा मानते हैं, राजपूत का बेटा दोपहरिया में गाय चराते हुए कभी देखा है? बोलिए, कभी देखा है आपने? मतलब इस तरह का जो उनके तथ्य हैं, मैं तो आपके सामने चुनौती देता हूं, मैं जो बात कह रहा हूं मेरी बात गलत हो, जांच करा लें, विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।
गौरतलब है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थकों पर हुई कार्रवाई और इस विरोध प्रदर्शन के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। पहले ओम प्रकाश राजभर पर उनकी विधानसभा में हमला हुआ तो उनके कार्यकर्ताओं ने 16 लोगों पर FIR दर्ज करा दी। फिर जब ग्रामीणों ने ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे सहित उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज कराई तो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इसे अपने खिलाफ सरकार की साजिश बताने लगे। आज उस FIR के विरोध में ओम प्रकाश राजभर, राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी जैसे नेताओं ने गाजीपुर में धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई और एक पक्ष को टारगेट करने के आरोप अखिलेश यादव भी लगा चुके हैं। अब सवाल बड़ा ये हो गया है कि क्या जो आरोप ओम प्रकाश राजभर ने लगाए वो सही है या फिर ये राजनीति का स्टंट है। लेकिन एक बात साफ है कि इस घटना ने समाजवादी गठबंधन को एकजुट जरूर कर दिया, जो चुनाव के बाद फिर से साथ नजर आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। मुकुल गोयल को DGP पद से हटाने के बाद अब नए DGP की तलाश तेज हो गई है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस रेस में नाम तो कई हैं, पर यूपी पुलिस का नया मुखिया बनेगा कौन, इस रिपोर्ट में देखिए। DGP बनने की रेस, दौड़ में कौन कितना तेज, योगी राज में कौन बनेगा पुलिस का नया मुखिया। मुकुल गोयल को DGP के पद से हटाने और DS चौहान को कार्यवाहक बनाने के बाद अब वक्त स्थायी DGP की नियुक्ति से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने का है। इसके लिए 30 साल की सेवा पूरी कर चुके यूपी कैडर के IPS अफसरों के नाम UPSC को भेजे जाएंगे। UPSC को जिन IPS अफसरों के नाम भेजे जाने हैं उनका कार्यकाल कम से कम 6 महीने तक का होना चाहिए। इसके अलावा चुने गए अफसरों पर किसी तरह की जांच नहीं होनी चाहिए। DGP बनने के लिए उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर IPS डॉक्टर RP सिंह हैं। 1987 बैच के IPS डॉक्टर IP सिंह की गिनती एक समय में योगी सरकार के सबसे पसंदीदा अफसरों में हुआ करती थी। उनके पास EOW और SIT दोनों का चार्ज था। उन्होंने अपने कार्यकाल में आजम खान समेत पावर कॉरपोरेशन का PF घोटाला, बाइक वोट घोटाला, सहकारिता भर्ती घोटाला और मदरसा प्रकरण जैसी तमाम जांचों को अंजाम तक पहुंचाया। इसी तरह सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर 1987 बैच के ही विश्वजीत महापात्रा का नाम आता है। हालांकि महापात्रा इसी जुलाई में रिटायर हो जाएंगे। महापात्रा नागरिक सुरक्षा के DG थे, लेकिन मुकुल गोयल के DGP पद से हटने के बाद उन्हें DG सहकारिता के पद पर नियुक्त किया गया। जबकि तीसरे नंबर पर डॉक्टर GN मीना का नाम है। मीना को सराहनीय सेवाओं और दीर्घ एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक मिल चुका है। इस समय CBCID के DG हैं। उनका रिटायरमेंट 31 जनवरी को है, इसलिए उन्हें भी रेस से बाहर माना जा रहा। चौथे नंबर पर 1988 बैच के IPS अनिल कुमार अग्रवाल चौथे नंबर पर हैं, जो मौजूदा वक्त में डेपुटेशन पर तैनात है, इसलिए उन्हें रेस से बाहर माना जा रहा। इसके बाद पांचवें नंबर पर डॉक्टर RK विश्वकर्मा का नाम है, जो इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के DG हैं। विश्वकर्मा साफ सुथरी छवि के अधिकारी हैं। छठे नंबर पर कार्यवाहक DGP DS चौहान का नाम है। DS चौहान भी 1988 बैच के IPS अफसर हैं। सातवें नंबर पर 88 बैच के ही IPS अफसर आनंद कुमार और आठवें नंबर पर विजय कुमार का नाम है। हालांकि शासन, सत्ता और पुलिस महकमे के गलियारों में चर्चा है कि 88 बैच के IPS अधिकारी DS चौहान को ही स्थायी DGP बनाया जा सकता है। ABP गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। 3 तलाक कानून बनने के बावजूद भी तलाक के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला बरेली का है, जहां पर पत्नी के नौकरी करने से नाराज शराबी पति ने उसे 3 तलाक दे दिया और अब उस पर हलाला का दबाव बनाया जा रहा है। तीन तलाक का जहर शराबी पति का कहर, कानून के बाद नहीं रुका 3 तलाक, पीड़िता पर बनाया हलाला का दबाव। मेरे को 3 तलाक दी गई है एक सांस में और कहा गया है तुम घर से निकल जाओ। उसके बाद मेरे पर दबाव डाला जा रहा है कि हलाला के लिए, और मुझे फतवा भी लाके इन्हीं लोगों ने दिया, ससुराल वालों ने। अब तुम इनके लिए हराम हो, अय्यूब के लिए। उसके बाद ये कहा गया है कि तुम
हलाला करोगी तो अय्यूब को पास जाओगी। 28 साल पहले जब तीन तलाक के खिलाफ कानून बना था तो सदियों से तीन तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को एक नई आजादी मिली थी, लेकिन कानून बनने के बाद भी तीन तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन के साथ बैठी इस महिला का नाम शबाना है, जिसे इसके पति ने तीन तलाक देकर दर दर के लिए भटकने को मजबूर कर दिया। और ये मुझे जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं इतने सालों से इस आदमी के साथ रह भी रही थी और चुपचाप थी, फिर उसके बाद मुझे 25 साल के बाद इन्हें ये तलाक का मेरे को थप्पड़ मारा है कि अब तुझे ये मिलेगा 25 साल का सिला। शबाना का आरोप है कि उसका पति शराबी है और उसके साथ आए दिन मारपीट करता है, घर के खर्च के लिए भी कोई पैसा नहीं देता। चार बच्चों का पेट पालने के लिए शबाना हॉस्पिटल में नौकरी करती है, लेकिन पति अय्यूब को शबाना का नौकरी करना गवारा नहीं हुआ तो तीन तलाक देकर चारों बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा हक मिले जो है, और मैं हलाला के लिए राजी नहीं हूँ, और ये जो तलाक का है मुद्दा ये उठाया भी जाए। अब पीड़िता अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है क्योंकि तीन तलाक के बाद उसके ससुराल वाले हलाला का दबाव बना रहे। ये एक महिला है शबाना, जो कि अपने बच्चों को पालने के लिए जॉब करती है, एक मेडिसिटी हॉस्पिटल में सुपरवाइज़र की जॉब करती है, और इसका पति बेइंतहा शराब पीता है, कुछ काम धाम नहीं करता है, बच्चे जवान हैं तो बच्चों की परवरिश के लिए भाई एक महिला जॉब कर रही है, अपने पैरों पर स्टैंड है। तो इसमें इसके पति ने ये कहा कि तुम जॉब मत करो, जब इसने मना किया, इस चीज़ का विरोध किया, तो इसको पति ने एक साथ तीन तलाक बोल के और इसको घर से बाहर निकाल दिया। शबाना ने मामले की शिकायत केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन से की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री की बहन ने मामले की लिखित शिकायत बारादरी थाने में की है, जिस पर एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। संबंध में थाना बारादरी पर 498-323-506 और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें चार लोग नामजद हैं, जिसमें इनके पति, जेठ, ननद और ननदोई है। इस संबंध में जो है आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है, जो साक्ष्य जो है इकट्ठा किए जा रहे हैं कि क्या मैटर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कानून बनने के बाद भी आखिर तीन तलाक क्यों नहीं रुक रहा, और सवाल उस फतवे का जो आला हजरत दरगाह ने तीन तलाक के पक्ष में जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।